हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, बूटस्ट्रैप की इस सीरीज़ के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से यहाँ पर एक कैरोसेल स्लाइडर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बूटस्ट्रैप का कैरोसेल स्लाइडर दिखा सकता हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्लाइडर है जिसके अंदर हमारे पास तीन इमेजेस हैं। अब गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर एरो पर क्लिक करता हूँ तो मेरी वो इमेज क्या होती है, यहाँ पर स्लाइड हो जाती है। और गाइस, जैसे ही मैं इसको प्रीवियस करता हूँ तो गाइस मेरी यहाँ पर इमेज प्रीवियस हो जाती है। और गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो गाइस इनकी भी हेल्प से ये मेरा रन कर रहा है। तो गाइस, आज हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक यहां पर बूटस्ट्रैप का कैरोसेल स्लाइडर को हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा साथ ही साथ यहां पर रिस्पॉन्सिव भी है। तो गाइस, चलते हैं इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो गाइस, मैं यहाँ पर सिंपली एक आईडी दूंगा डिवीजन की, और इसका मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा माई स्लाइडर। अब गाइस, मुझे यहाँ पर क्लासेस ऐड करनी है और मुझे यहाँ पर सीएसएस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ऐड करूँगा बूटस्ट्रैप की। तो गाइस, बूटस्ट्रैप ने मुझे यहाँ पर पहले क्लास दिए कैरोसेल। तो गाइस, कैरोसेल स्लाइड से क्या होगा, ये कैरोसेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मैं अब इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो गाइस, मेरे पास अभी यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमने अभी कोई इमेजेस को ऐड नहीं करा। अब गाइस, मेरे पास यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एट्रीब्यूट है, यहाँ पर डेटा हाइफन राइड। तो गाइस, डेटा हाइफन राइट के अंदर भी आपको यहाँ पर कैरोसेल को ऐड करना है। तो गाइस, ये क्या करेगा, जब भी हम डेटा को यहाँ पर रन करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक कैरोसेल बन जाएगा। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब इन इमेजेस को यहाँ पर ऐड कराऊंगा। तो गाइस, इमेजेस को ऐड कराने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली एक और क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है हमारे पास कैरोसेल इनर। तो गाइस, ये मेरा जो वर्क करता है, ये मेरा आउटर कैरोसेल वर्क करता है। इसकी क्या बेड्थ होगी, क्या कैसे वो रिस्पॉन्सिव वर्क करेगा, और कैरोसेल इनर क्या करता है, ये मेरे जो भी उसके अंदर के आइटम्स होंगे, जो भी हमारी इमेजेस होंगी, उसके अंदर जो टेक्स्ट होंगे, वो सब हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो गाइस, कैरोसेल इनर के अंदर हमें यहाँ पर इमेजेस को ऐड करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है यहाँ पर कैरोसेल आइटम्स। तो गाइस, कैरोसेल आइटम आप यहां पर लिखेंगे, और इस कैरोसेल आइटम के अंदर आप यहां पर सिर्फ इमेज टैग का यहां पर यूज़ करेंगे, ताकि आप हमारी इमेजेस को यहां पर ऐड कर सकें। तो गाइस, मैं यहां पर इमेज दे देता हूं बैनर 2.jpg, जो भी मैंने ऑलरेडी यहां पर ऐड कर रखी। अब चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस, अभी तक मेरी यहाँ पर कोई इमेजेस यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो गाइस, यहाँ पर एक और क्लास हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी एक्टिव नाम से। तो गाइस, इससे क्या होगा, जो भी हमारी इमेज है ये मुझे शो करने लग जाएगी। तो गाइस, एक्टिव से क्या करता है कि पहले आपको कौन सी इमेजेस दिखानी है। जैसे मान लीजिए, अगर मेरे पास यहाँ पर तीन इमेजेस हैं, तो गाइस अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली मेरे को पहले दिखाई दे, तो मैं यहाँ पर उसमें क्लास कर दूंगा एक्टिव। तो गाइस, अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और सिर्फ मैं यहाँ पर इमेजेस को चेंज कर दूंगा। और अब जो ये एक्टिव की क्लास है, मैं यहाँ पर इन दो से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर तीनों क्लासेस को एक साथ नहीं दिखाना। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मेरी फर्स्ट पिक है वो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाए। अब गाइस, अगर मैं यहाँ से एक्टिव को रिमूव कर दूँ और इस पर लिख दूँ एक्टिव, तो अब मेरे क्या होगा, यहाँ पर जो दूसरी इमेज है वो मेरी यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो गाइस, मैं फर्स्ट वाली क्लास के ही एक्टिव रहने देता हूँ, और चलता हूँ ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर तीन इमेजेस ऐड हो चुकी है, बट बूटस्ट्रैप ने कुछ इस तरीके से इनको अलाइन कर रखा है कि वो एक के पीछे एक आ रही है यहाँ पर। तो गाइस, सिंपली हमें यहाँ पर एक स्लाइडर देना पड़ेगा। तो मतलब ये स्लाइडर की तरह वर्क कर रहा है, बट हमें यहाँ पर क्या देने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ एरोज देने पड़ेंगे जिनकी हेल्प से ये वर्क करने लगेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज़ करेंगे। तो गाइस, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा कैरोसेल का इनर है, इस डिवीजन के बाहर मुझे यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करना है, और इसका जो हाइपरलिंक रेफरेंस देना वो मुझे हैश लगाकर इस वाली आईडी को ऐड करना है, ताकि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो ये मेरा इस स्लाइडर को यहाँ पर टारगेट करे। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस आईडी का नाम लिख दूंगा, माय स्लाइडर। अब गाइस, इसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस। तो ये कौन सा मेरा कंट्रोल है, ये प्रीवियस है, और ये मेरा नेक्स्ट है। तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब एक और एट्रीब्यूट की मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, डेटा स्लाइड। जैसे गाइस हमने ऊपर डेटा राइड पर कैरोसेल को बनाया था, वैसे ही हमारे पास है डेटा स्लाइड, कि जब ये डेटा इस पर क्लिक हो तो वो स्लाइड किस तरफ करे, तो वो स्लाइड करे मेरी प्रीवियस की तरफ, मतलब पीछे की तरफ मेरा यहाँ पर ये वर्क करे। तो गाइस, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको बंद कर दिया। अब गाइस, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ऐसा एक आइकन चाहिए कि मुझे यहाँ पर एक एरो शो हो जाए। तो गाइस, सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर स्पैन की क्लास देनी है, और आपको यहाँ पर क्लास डालनी है कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस आइकन।
तो गाइज ये क्लास आप जैसे ही यहाँ पर डालेंगे तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक एरो आ चुका है, और गाइज जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये मेरा वर्क करने लगा है कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्रीवियस को बना सकते हैं। तो गाइज इसी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब सिर्फ मुझे यहाँ पर प्रीवियस की जगह नेक्स्ट लिख देना है, कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब भी कोई स्लाइड पर क्लिक करे इस पर तो कैसा हो जाए नेक्स्ट पे चला जाए, और यहाँ पर आइकन भी कौन सा आ जाए मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट का। चलते हैं गाइज ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ही नेक्स्ट का भी मेरे पास वर्क करने लगा और आइकन मेरा ऐड होने लगा। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्लाइड होके आ रहा है, हमारे में क्या हो रहा है ये इमेज सिर्फ डायरेक्ट इसको चेंज कर दे रहा है। तो गाइज इसके लिए हमें यहाँ पर क्लास ऐड करनी पड़ेगी स्लाइड, कैरोसेल की फर्स्ट क्लास के साथ आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी स्लाइड। अब जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्लाइड मेरा वर्क करने लगा। अब गाइज अगर आप इन कंट्रोल्स को यहाँ पर क्लिक भी नहीं करेंगे तब भी ये मेरा इमेज को यहाँ पर स्लाइड करने वाला, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास ऐड कर दी है स्लाइड। तो गाइज देखा आपने इसने क्या करा, इसको स्लाइड कर दिया हमारे बटन के क्लिक करे हुए। अब गाइज हमें यहाँ पर बनाने हैं इंडिकेटर्स, तो गाइज इंडिकेटर्स का मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर ULLI का यूज़ करूँगा, और जो UL की क्लास मुझे यहाँ पर बनी बनाई है उसको देनी है कैरोसेल इंडिकेटर्स, तो इसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स के अंदर मुझे यहाँ पर LI को ऐड करना है, तो गाइस हमें यहाँ पर तीन इंडिकेटर्स चाहिए ऐसे, तो हम यहाँ पर तीन LIs डालेंगे, और इस LI को मैं यहाँ पर कॉपी करने से पहले इनको क्लास दे देता हूँ। तो गाइस जो पहली क्लास आएगी हमारी इसका नाम है यहाँ पर कैरोसेल, सॉरी गाइस मुझे यहाँ पर डेटा टारगेट का यूज़ करना पड़ेगा, data-target, क्योंकि जो हमारे कैरोसेल के इंडिकेटर से मेरे टारगेट पे वर्क करते हैं। तो गाइस टारगेट भी हमें यहाँ पर सेम वही देनी है इस आईडी का नाम माई स्लाइडर, जैसे हमने ऊपर हाइपरलिंक रेफरेंस में ऐड करा था। अब गाइस इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज़ करना मुझे, और इसका नाम है यहाँ पर data-slide-2। गाइज आपने ऊपर देखा होगा कि यहाँ पर सिंपली मेरी क्लास थी एक डेटा स्लाइड। अब गाइज मुझे इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर data-slide-2। तो गाइज इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज होंगी वो होगी हमारी 0, 1, 2 या जितने भी आप यहाँ पर इंडिकेटर्स को देना चाहते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा 0 से, क्योंकि जो इसका इंडेक्स है वो मेरा स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर 0 से। तो गाइज जो भी ये 0 है तो ये मेरी फर्स्ट पिक को यहाँ पर डिनोट करेगा, और ये मेरा करेगा पहली पिक को, और ये मेरी दूसरे पिक। तो गाइज अगर आपने यहाँ पर तीन इमेजेस डाली हैं तो गाइज जो पहली पिक होगी वो हमारी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी। तो गाइज मैं यहाँ पर लिखूंगा data-slide-2 0। चलते गाइज इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर दिया, और इसके बाद सिंपली मुझे यहाँ पर अब करना है इसको 1 और 2। चलते गाइज ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने मेरे पास यहाँ पर ये इंडिकेटर्स आने लगे और ये साथ ही साथ मेरे वर्क होने लगे। तो गाइज देखा आपने जैसे ही मैं इन पर क्लिक कर रहा हूँ ये मेरे वर्क होने लगे। अब गाइज मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो गाइज मुझे यहाँ पर एक सिलेक्टेड नहीं आ रहा है। तो गाइज सिलेक्टेड मुझे यहाँ पर किस तरीके से चाहिए कि मेरी जो इमेज है वो उसका मेरे पास यहाँ पर इंडिकेटर सिलेक्ट हुआ। तो सिलेक्ट से क्या करना है मुझे यहाँ पर, सिर्फ एक क्लास को ऐड करना है एक्टिव। इसको मैं जैसे ही एक्टिव करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने ये वाइट कलर का मेरे पास आ चुका है, मतलब मेरा ये वाला इंडिकेटर सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं करूँगा सेकंड पे तब वो सिलेक्ट हो चुका, थर्ड पे करूँगा तो थर्ड सिलेक्ट हो चुका। तो गाइज देखा आपने कि किस तरीके से हम एक ब्यूटीफुल सा कैरोसेल को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से, और हमने यहाँ पर बिना CSS का यूज़ करे, बिना जावास्क्रिप्ट का यूज़ करे हमने एक कैरोसेल को यहाँ पर बना चुके हैं। तो गाइज देखा आपने बूटस्ट्रैप ने हमारा कितना काम आसान कर दिया कि सिर्फ हमने यहाँ पर क्लासेस को ऐड करा और हमने यहाँ पर एक कैरोसेल को बना चुके हैं। अब गाइज अगर आप इसके अंदर कुछ कैप्शंस देना चाहते हैं तो आप वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस इमेज के बाद आपको यहाँ पर एक और क्लास को ऐड करना है, और उस क्लास का नाम है यहाँ पर कैरोसेल कैप्शन। तो जो भी हमारे कैप्शन आप डालना चाहते हैं तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H2 ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बूटस्ट्रैप कैरोसेल 1। तो गाइस ये मेरी पहली इमेज है तो मैंने 1 लिख दिया। तो गाइस अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। हेलो गाइस वेलकम टू हैवी कोडिंग। चलते गाइस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इमेज के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा 3 और 2।
चलते हैं गाइस ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, अब मेरे पास यहाँ पर एक कैप्शन आ चुका है और पैराग्राफ भी मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो गाइस अब इसने क्या करा, इसको तीनों पेजेस पे इसको कैप्शन को ऐड कर दिया। तो गाइस आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कैप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पर जो H2 यूज़ करी है, आप यहाँ पर H1 भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ की जगह आप यहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको H2 की जगह H1 करके दिखाता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, कैराउजल मेरा थोड़ा यहाँ पर बड़ा हो चुका है। अब गाइस अगर आपको इसको बहुत ही बड़ा दिखाना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इसकी क्लास दे देंगे डिस्प्ले 4। चलते हैं गाइस, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, मेरा कैप्शन यहाँ पर ये बड़ा हो चुका है और इसका टेक्स्ट भी यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट फैमिली थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो गाइस देखा आपने कितना आसान था यहाँ पर हमें कैप्शन और कैराउजल को यहाँ पर बनाना, और हमने क्या करा यहाँ पर बिना CSS और बिना जावास्क्रिप्ट की यूज़ की हेल्प से हमने यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप के थ्रू यहाँ पर सिर्फ क्लासेस को ऐड करके एक स्लाइडर को क्रिएट करा। तो गाइस इससे क्या हुआ, हमारा काफ़ी टाइम बचा, हमें सिर्फ यहाँ पर इन क्लासेस को लर्न करने की ज़रूरत है कि किस क्लास को हमें यहाँ पर कहाँ पर ऐड करना है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।